सिनेमा की कोई सरहद नहीं होती, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिनेमा चाहे किसी भी देश या भाषा की हो, उसे प्यार भरपूर मिलता है। वर्ल्ड सिनेमा के बड़े से ब्रह्मांड में कई ऐसे सितारे हैं जिनको लोग देखते हैं या फिर चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सितारे हैं जिनको लोग पूजते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। उनका स्टार दुखी होता है तो वो भी दुखी हो जाते हैं, उनका सितारा खुश होता है या उसका जन्मदिन होता है तो वो भी उसकी जिंदगी की हर खुशी को अपनी जिंदगी की खुशी की तरह मानते हैं। भारत के लिए एक ऐसे ही सितारे हैं शाहरुख खान। आप इन्हें बॉलीवुड का किंग कहे या फिर बादशाह, शाहरुख लोगों के दिलों पर राज करते हैं और लोग उनसे प्यार करते हैं। ऐसा सोचना भी मुश्किल है कि शाहरुख के बिना हिंदी सिनेमा का क्या होगा। वह 4 साल का ब्रेक ले या फिर 14 सालों का, शाहरुख के फैंस उनको देखने के लिए हमेशा सिनेमा घरों की तरफ जाते हैं। यूं तो हर कोई केवल अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है, लेकिन इंसान जिंदगी में एक बार तो अपनी मौत के बारे में भी सोचता ही है। शाहरुख से भी जब ये सवाल पूछा गया कि उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया कि हर कोई ये समझ गया कि शाहरुख को बादशाह क्यों कहा जाता है। उनका उनकी कला के लिए प्यार किसी से नहीं छुपा है, लेकिन शाहरुख के इस जवाब ने लोगों को ये बता दिया कि उनके लिए उनकी कला अब इबादत बन गई है। 3 दशकों के करियर में शाहरुख खान ने सिनेमा को कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों से नवाजा है और 58 साल की उम्र में भी उनका चार्म खत्म नहीं हुआ है। बीते दिनों उन्हें स्विट्जरलैंड में हुए लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइमलाइट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने बताया कि कब तक वे फिल्मों में काम करना चाहते हैं और उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। शाहरुख ने कहा कि वो अपनी आखिरी सांस तक काम करना चाहते हैं और अपना आखिरी वक्त कहीं और नहीं बल्कि सेट पर बिताना चाहते हैं। शाहरुख के आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो साल 2023 में पठान, जवान, डंकी से धमाल मचाने के बाद ये साल शाहरुख के फैंस के लिए फीका रहा है। 2024 ही नहीं 2025 में भी अभिनेता की कोई फिल्म नहीं आ रही है। हालांकि उम्मीद है कि 2026 में शाहरुख खान की अगली फिल्म किंग सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। ये फिल्म काफी खास हो सकती है। इस फिल्म में वह पहली बार अपनी बेटी सुहाना के साथ नजर आएंगे। ऐसे में फैंस को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं।